सबसे पहले टीचर्स क्या कहती हैं? आई वॉन्ट पिन ड्रॉप साइलेंस. कहती है ना आप सबको? याद रहता है ना हमें ये वर्ड साइलेंस. अच्छा लगता है ना जब तक बड़े नहीं हो जाते, ये चीज हमारे दिमाग में बैठ जाती है ना, पिन ड्रॉप साइलेंस, सुई पटक सन्नाटा कहते हैं ना हम उसे. सो आई वुड स्टार्ट विद थैंकिंग डॉक्टर सैयद, डॉक्टर शफी, द मैनेजमेंट, द फैकल्टी, द टीचर्स, द गेस्ट्स एंड ऑल ऑफ यू हु हैव गिवन मी दिस अपॉर्चुनिटी टू टॉक टुडे अबाउट माई life, what I am today as an architect, as an industrialist and as a social worker. Zindagi mein bahut mukam paar kiye hain maine aaj jahan main hu us tak pahunchne ke liye. Aap sabko to pata hi hoga ki 5th September hum Radha Krishan ji ka birthday ke roop mein celebrate karte hain. Malum hai? Good. Aapne kabhi Radha Krishan ji ki wording suni hai? कि अगर हम सीखना छोड़ दें तो हम अपनी जिंदगी वहीं रुक जाती है. वेन वी सीज टू लर्न वी स्टॉप लिविंग. सुना है कभी किसी ने? दिस इज वॉट राधा कृष्ण जी सेड. ही सेड वेन वी सीज टू लर्न वी स्टॉप लिविंग. आज लर्निंग एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है और ये सब सीखने के लिए हमें कौन सबसे पहले उंगली पकड़ कर आगे चलाता है? आप सब लोग जानते ही होंगे, हमारे माँ बाप, हमारे पेरेंट्स, हमारी माँ और हमारे बाप, जिन्होंने सबसे पहले हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाया. हम सबसे पहले जब पैदा होते हैं तो सबसे पहला वर्ड हमारे मुंह से क्या निकलता है? या तो माँ या बाबा, यही निकलता है ना. सबसे पहला वर्ड सबके मुंह से यही निकलता है और बाबा खुश होते हैं कि मुझे मेरे बच्चे ने बाबा बोला. उसी तरह टीचर अपनी सारी जिंदगी एक मोमबत्ती की तरह जलाते हुए हमें रोशनी देते हैं. हम उनको कभी अपनी जिंदगी में भूल नहीं सकते. खुद जलते हैं और हमें राह दिखाते हैं. टीचर एक ऐसा वर्ड है जो खुद में, अगर उसका फुल फॉर्म, जैसे डॉक्टर आशीष ने सुनाया था, अगर हम उसको फुल फॉर्म बनाने लगें, मैंने कभी बचपन में बनाया था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करना चाहूँगी. टी ई ए सी एच ई आर, कितने वर्ड्स हैं इस लेटर में? 7. सबको मालूम है कि जब बारिश के बाद रेनबो निकलता है उसमें कितने वर्ड्स होते हैं? 7 कलर्स इन ए रेनबो. तो टीचर तुम्हारी जिंदगी में वो 7 रंग भरते हैं जो एक रेनबो में होते हैं. वो रंग जो तुम कभी भी अपने आप से नहीं सीख सकते, एक वो टीचर ही है, वो 7 रंग तुम्हारी जिंदगी में भरते हैं. टीचर में टी शब्द से ही शुरू होते हुए हमें टी मतलब ट्रेनिंग, ट्रेनिंग, ई मतलब ईच, ए मतलब एडोरेबल, प्यार करने वाला वो दिल, वो बच्चा, सी मतलब चाइल्ड, एच मतलब हार्डवर्क, ई मतलब एंड्योरेंस मतलब पेशेंस, आर मतलब रिस्पेक्ट और एस वो सब टीचर्स जो हमें सेल्फ डिसिप्लिन सिखाते हैं. ये मेरा खुद का बनाया हुआ एक एनोटियम है विच स्टेट्स टीचर्स का वर्ड ही इतना जिसको कह सकते हैं कि हम रिस्पेक्ट देने वाला वर्ड है. ट्रेनिंग ईच एडोरेबल चाइल्ड, हार्ड वर्क, मेहनत, मेहनत हम सीखते हैं अपने टीचर से, एंड्योरेंस सहने की शक्ति. जरा सी गलती होती है आप लोग क्या कहते हैं? हमने गलत कर दिया और रोना शुरू कर देते हैं. कौन सिखाता है आपको? कोई बात नहीं बच्चे, गिरेगा तो फिर उठेगा, करेगा, सीखेगा, फिर उठेगा. दैट इज कॉल्ड एंड्योरेंस एंड रिस्पेक्ट. रिस्पेक्ट फॉर योर सेल्फ, रिस्पेक्ट फॉर योर पेरेंट्स एंड रिस्पेक्ट फॉर द सोसाइटी. ये एक वर्ड फुल एक मीनिंग के साथ भरा हुआ है जो कभी मैंने बचपन में बनाया था. मैं डॉक्टर शफी को धन्यवाद कहना चाहूँगी, उन्होंने मुझे आज मौका दिया कि मैं ये वर्ड सबके सामने बता सकूँ. किसी इंटरनेट पे आपको ये वर्ड नहीं मिलेगा क्योंकि ये मेरा खुद का बनाया हुआ वर्ड है कि
टीचर्स हमारे लिए जो करते हैं वो शायद हम अपनी ज़िंदगी में कभी सोच भी नहीं सकते कि हम कैसे पा सकेंगे। मेरे बचपन का एक छोटा सा वर्ड जो मुझे मेरी एक टीचर ने 9th क्लास में, जब मैं एक पूरे नंबर नहीं ले पाई थी, तो मेरी टीचर ने कहा था सबके अच्छे नंबर आए खाली मेरा एक नंबर गलत आया, तो मेरी टीचर ने मुझे बोला लाफ एंड द वर्ल्ड लाफ्स विद यू, हंसोगे तो तुम्हारे साथ दुनिया हंसेगी, क्राई एंड यू क्राई अलोन, रोगे तो बच्चों अकेले रोते रह जाओगे। वो वर्ड आज तक मेरे जहन में ऐसा छपा हुआ है कि मुझे ये मालूम है कि अगर मुझे कुछ करना है तो मुझे ऐसा काम करके निकल जाना है जिससे कि सारी दुनिया मेरे साथ हंसे। रोते तो सभी हैं, लेकिन मज़ा तो ज़िंदगी का तभी है जब हम गिरें और उठें और फिर लड़ें। बच्चों, लाइफ के अंदर बहुत ऐसे मुकाम आते हैं जब आपको ये लगता है कि नहीं, अब हमसे नहीं हो पाएगा। हमने अपनी तरफ से डिग्रियां ली, सब कुछ किया, सब कुछ हासिल किया, लेकिन क्या हमें वो तसल्ली मिलती है अगर जब तक हम अपना खुद को ये प्रूव ना कर पाएं कि ये जो आज हमने हासिल किया उससे हमें दिली खुशी मिल रही है। मैंने जब आर्किटेक्ट बनी तब मैं गई, अपने मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोला जाइए जाकर नौकरी ढूंढिए। नौकरी ढूंढी, लगा कि बस एज ए ट्रेनी इतने ही पैसे मिलेंगे, इससे अच्छा तो एक क्लर्क ही होता है जिसको तनख्वाह मिल जाती है। मैं वापस आई, मैं एक छोटे से शहर को बिलोंग करती हूँ, मैंने अपने पेरेंट्स को आके बोला, अपनी टीचर के पास गई, हेड ऑफ डिपार्टमेंट को जाके बोला सर मुझे नहीं पता था मैंने 5 साल इस चीज़ के लिए वेस्ट किए जिसके अंदर एक क्लर्क को मेरे से ज़्यादा तनख्वाह मिलती है, क्योंकि एज ए ट्रेनी स्टूडेंट सिर्फ मात्र 5,000 रुपये तुम्हें सुबह से लेकर रात तक काम करना पड़ता है। मेरे टीचर जो कि मेरे हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, आज तक मैं उनका नाम और उनके लिए जो रिस्पेक्ट मेरे दिल में है मैं नहीं भूली हूँ, उन्होंने मुझे ये बोला बच्चे तू नहीं जानती भगवान ने तेरे हाथ में जो करिश्मा दिया है और जो तेरे को नॉलेज मिली है उसकी वैल्यू मैं तुझे सिखाऊंगा। उन्होंने मुझे अपने साथ एक आर्किटेक्ट का ऑफिस खोलने की मौका दिया और हमारे ऑफिस का नाम था खन्ना एंड अग्रवाल एसोसिएट्स। दिन रात मैंने मेहनत करी सिर्फ ये अपने आप को प्रूव करने के लिए कि लेडीज़ भी काम कर सकती हैं, एंड मैंने जो 5 साल पढ़ाई करी थी आर्किटेक्चर की वो वेस्ट नहीं थी। आई वॉज़ द फर्स्ट लेडी आर्किटेक्ट इन माई होम टाउन, पहली लड़की थी जो साइट के ऊपर खड़ी होती थी, काम करवाती थी, और इसके पीछे श्रेय किसको जाता है? मेरे टीचर को। आज उन्होंने मेरा वो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो कि मैं लूज़ कर चुकी थी कि मेरी पढ़ाई का क्या फ़ायदा कि मैं किसी के काम ही नहीं आ पा रही हूँ, और मेरी वो पढ़ाई इतनी बेकार हो गई कि मैं अपने लिए तो क्या अपने सोसाइटी के लिए भी कुछ कर नहीं पाऊँगी, वो कॉन्फिडेंस एक टीचर ने मेरे अंदर जगाया, वो जज्बा मेरे अंदर एक टीचर ने जगाया कि खुद पे इतना विश्वास रखो, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा तुझसे पूछे कि ऐ बंदे तेरी रजा क्या है। बच्चों, मैं आप लोगों को सिर्फ ये सिखाना चाहती हूँ कि आज जो टीचर्स दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों को इग्नोर करके अपनी फैमिली को इग्नोर करके तुम्हें टाइम देते हैं, हमें गुस्सा आता है मैम ने हमें इतना होमवर्क दे दिया, कभी आपने सोचा मैम को कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है? बिना पढ़ाई किए तो वो आप लोगों को पढ़ा भी नहीं सकती हैं। कभी ये दिमाग में आया कि वो अपना घर संभालती हैं, अपने बच्चों को इग्नोर करती हैं दिन रात सिर्फ इस आश से कि मेरी क्लास के बच्चे एक अच्छा फ्यूचर पा सकें, एक अच्छे मुकाम पर पहुंच सकें। और जब आप सक्सेसफुल होते हैं तो सबसे पहले किसको खुशी होती है? टीचर्स को होती है ना, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस और बड़ी सी स्माइल किसके चेहरे पे आती है? वो आके भागते हुए आपको गले लगाकर सिर्फ यही कहते हैं बहुत बहुत मुबारक हो, मेरा सीना तुमने चौड़ा कर दिया। उनको क्या मिलता है? उनकी पढ़ाई हुई जो तालीम है उसको लेकर के आज आप आगे बढ़ रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं ज़िंदगी में, वो तालीम आपको वो रास्ता दिखाएगी ज़िंदगी में जिसके लिए आप कभी सोच भी नहीं सकते।
आज बचपन में मैंने कभी सीखा था, शेयरिंग इज केयरिंग. अगर आप बांटते हो तो बढ़ता है. बांटने से दुख भी बढ़ता है और खुशी भी ज़्यादा होती है. ये सही है या नहीं है? अच्छा, पिक्चर्स कितने बच्चे देखते होंगे? मेरे हिसाब से टीवी पर तो घर पर सभी देखते होंगे, चाहे वो लड़के हैं चाहे लड़कियां. मना तो किसी को नहीं होता होगा. कभी किसी ने तारे जमीन पर देखी है? अभी पिक्चर पूछा तो किसी ने हाथ नहीं उठाया. जैसे ही मैंने पूछा कि तारे जमीन पर देखिए तो सबकी यस आ गई. वो कैसे? कुछ सीखा उस पिक्चर से आपने? क्या सीखा? बच्चों, एक बच्चा जिसके माँ बाप उसे हॉस्टल में निकाल देते हैं, उसका कैलिबर किसने देखा? उसके टीचर ने. किसने उसके माँ बाप को बताया कि इस बच्चे के अंदर वो हुनर है जो तुम लोगों को पता नहीं चल रहा है? वो हुनर एक निकाला एक टीचर ने. टीचर भगवान का वो रूप होता है जिसको हम कितनी बार भी नमन करना चाहें, हम उनके पार नहीं जा सकते. टीचर्स जो हमारे लिए करते हैं, वो शायद ही हम कभी अपनी इस ज़िंदगी में उसको आप कोई भुगतान कर सकें. बहुत ज़्यादा ना बोलते हुए मैं सिर्फ आप लोगों को इतना ही कहूँगी, बच्चों ज़िंदगी में एक फ्रेंड, एक फिलोसोफर, एक गाइड, अगर आपके ज़िंदगी में आपकी टीचर है, वो तीनों आपको अपने टीचर के रूप में मिल सकते हैं. अपना टीचर को अपना दोस्त समझिए, उनको वो इज्जत